दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के सरैया गांव में है। यहां हमारी मुलाकात हो रही है अली अहमद साहब से। अली अहमद साहब मुहर्रम के महीने में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर किस किस तरीके का प्रोग्राम होता है और जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये लीड रोल अदा करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद अंजुमन हैदरी के सदर हूँ। हमारे यहाँ मुहर्रम का जब चांद नज़र आ जाता है तो मिट्टी निकलता है उस रात में, और ये जब चांद मुहर्रम का नज़र आ जाता है तो इस्लाम का महीना का पहला महीना है जो गम के महीने में स्टार्ट होता है। गम के इससे ये हम लोग के यहाँ जो है वो जब मुहर्रम का चांद नज़र आएगा तो 2 महीना 8 दिन तक हम लोग गम मनाते हैं। इस बीच में हम लोग दो महीना 8 दिन जी, तो इसमें ना हम लोग के यहाँ कोई शादी होती है, ना कोई नया कपड़ा खरीदेगा, ना कोई नया काम करेगा। ये 2 महीना 8 दिन तक कुछ नहीं हम लोग के यहाँ होता है, ये सिर्फ गम का महीना है हम लोग के लिए। और ये जब चांद नज़र आ जाता है तो ये पहली मुहर्रम से हम लोग के यहाँ जितने भी इमामबाड़े हैं वो सज जाते हैं और मौला की आमद हो जाती है और मजलिस मातम होते रहते हैं। ये कंटिन्यू दिन भर रात भर 10 मुहर्रम तक चलेगा। फिर 11-12 मुहर्रम का एक प्रोग्राम हम लोग का होता है जो छोटी करबला पे होता है, और उसके बाद ये मतलब हर 2-3 दिन पर ये प्रोग्राम चलता ही रहता है। फिर 40वां का हो जाता है, 40 उसका वो प्रोग्राम होता है, फिर 28 सफर का प्रोग्राम होता है। इसमें इस तरह से 2 महीना 8 दिन तक हम लोग के यहाँ गम का मनाया जाता है। एक चीज़ है अली अहमद साहब कि जो 7 तारीख को, यानी कि 7 तारीख को जो जुलूस निकलता है तो उसमें सिर्फ शिया समाज के लोग होते हैं या के नहीं? 7 मुहर्रम का जुलूस हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा जुलूस है। उसमें जंजीर का मातम भी होता है, आग के मातम भी होते हैं। इसमें सब भी समुदाय के लोग रहते हैं, वो शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। यानी हमारे ज़िला के, रोहतास ज़िले के जितने भी गाँव हैं एरिया के लोग आते हैं। और ये रात में करीब करीब 1 बजे रात तक, कल रात में चला जो बड़ी करबला पे आग की मातम है, उसमें से हिंदू भी मातम की आग पे चले हैं और अहले सुन्नत के लोग भी आग पे चले हैं, आग पे चलते हैं। जी जी। तो ये मतलब ये परंपरा जो है ये कब से है, मतलब यहाँ कब से है, कुछ आपको याद है? यहाँ तो हम लोग को खैर याद नहीं। हमारा जो बड़ी करबला है और छोटी करबला है ये लगभग 350 साल पुराना करबला बना हुआ है, और उसी समय से ये यहाँ का इजाद मतलब होता चला आ रहा है 350 वर्ष पहले। जी जी। और अभी आज 8 तारीख है, आज से क्या आप लोगों का प्रोग्राम? आज भी वही जुलूस निकलेगा, हर घर से अलम निकलेगा। आज इमाम जो आज का जो तारीख है मुनासिबत दी गई है मौला अब्बास से, जो आज ही के दिन वो शहीद हुआ। हालांकि वो सब 10 मुहर्रम ही को शहीद हुए हैं, लेकिन सबका अलग अलग तारीख बना दिया गया है। तो आज 8 मुहर्रम को मौला अब्बास से, जो इमाम हुसैन के मतलब भाई भी हैं और इस करबला के मतलब जो इसके सिपा सलार भी हैं, तो आज उन्हीं की शहादत का दिन मनाया जाता है। और 10 तारीख को भी कुछ होगा? 10 तारीख को भी जुलूस निकलेगा। आपको सुबह 6 बजे से लेकर एक जुलूस निकलेगा, फिर शाम में जुलूस ताजिया का निकलेगा, पहला मौका शाम में जुलूस का। देखिए अली अहमद साहब ने मुहर्रम के मौके को लेकर जिस तरीके से जानकारी दी, लोग तो जानते हैं लेकिन आजकल जिस तरीके का ये प्रोग्राम है युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर आदमी के लिए एक पैगाम है। एक्चुअल होता क्या है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और वही चीज़ सरैया में देखने को मिलती है। और सरैया एक ऐसी जगह है जो मुहर्रम से काफ़ी मशहूर है। नाम आखिर है मेरे मौला को चाहने वाले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहता हुआ, या आखिरी मातमी दस्ता अंगारों पे चढ़ता हुआ, मौला पास के आलम के सामने जाके ठहरा, मातमी दस्ता बहुत तवील, बहुत लंबा मातमी दस्ता है, लेकिन ये गा
कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।